यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से जा रहे हैं एक बार लाहौर, जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करेंगे। जो हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैं गुजरांवाला गई थी और उससे पहले मैं लाहौर गई थी, क्योंकि शादियों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो इस दफ़ा हमने प्लान किया था कि सबसे पहला विज़िट जो है हम इत्रा मार्केट में करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। सो हम ये उसी रोड की तरफ अब जा रहे हैं। तो जी, हम लोग इत्रा मार्केट में पहुंच चुके हैं। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब इतना टाइम नहीं था और दुकान जो शॉप्स थी अभी खुल रही थी, तो यहाँ पे शॉपिंग करना रश नहीं था, इसलिए शॉपिंग करना बहुत इजी रहा था। वाकई में ये बाज़ार बहुत बड़ा था और यहाँ पे क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं, मैंने शॉप्स के अंदर जाके तो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे उनको मुनासिब नहीं लगता। सो मैंने इसको बाहर से ही रिकॉर्ड किया था। मार्केट में हम एक शॉप में ली थी होम डेकोरेशन। यहाँ पे चीज़ें जो थी वो बहुत मुनासिब थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। आप ये देख सकते हैं, जब भी आप इच्छा मार्केट में विज़िट करें तो इस शॉप में ज़रूर जाइए। यहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिली। इच्छा मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम लोग लंच के लिए कोई जगह ढूँढ रहे थे। जो हमें सबसे नियरेस्ट शॉप जो लगी थी यहाँ पर वो KFC था, तो हम लोग यहाँ पर KFC में आए थे। और क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे रश नहीं था, बिल्कुल खाली था, तो हमने यहाँ पे कुछ फास्ट फूड लिया। आप देख सकते हैं वीडियो में। लंच करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं ओरिगा मार्केट की तरफ। चुके हैं। मैंने ड्यूरिंग शॉपिंग इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, जैसे मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं हर स्टॉप पे, मतलब ड्यूरिंग शॉपिंग, हर दुकान में जाके वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि इससे ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता है और फिर ना एक काम को इस तरीके से फोकस करना चाहिए ना, एक वक्त में आप एक ही काम कर सकते हैं। तो शॉपिंग करते करते हमें यहाँ पर काफ़ी भूख लग गई थी, जिससे हमने गोलगप्पे खाए, अच्छे थे। ओरिगा मार्केट की सबसे खास बात मुझे यही लगी है कि यहाँ पे जब आप बाहर की तरफ निकलते हो तो आपको खाने के लिए चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। इसके बाद जो है हमारा स्टॉप था वो अनारकली था। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, ये श्योरिटी नहीं थी कि अनारकली बाज़ार खुला होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर गए थे कि चेक करें। तो अब जो हम जा रहे हैं वो अनारकली की तरफ जा रहे हैं, हमारा लास्ट स्टॉप होगा।
तो जी मेरा आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ पे शॉपिंग करते हुए। अब तो वैसे भी टाइम ड्यूरेशन जो मार्केट्स की है वो कम है ड्यू टू कोविड। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।